नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक यादव। मैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी के अंदर वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ हूं और यूनिट हेड हूं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल मेरे से लोग पूछते हैं कि सर ऐसा क्या करें कि हम कैंसर को जल्दी पकड़ सकें, कैंसर को जल्दी पहचान पाएँ, क्योंकि सब जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अर्ली स्टेजेस के अंदर तो उपचार संभव है, मरीज़ हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन अगर स्टेज एडवांस्ड हो जाए या कैंसर बॉडी में फैल जाए तो उसके बाद इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर पाना संभव नहीं हो पाता। सिर्फ पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ आप बेटर कर सकते हैं और उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं ट्रीटमेंट के द्वारा। इसीलिए शायद ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बीमारी को सबसे जल्दी अर्ली स्टेजेस में पकड़ लेने की है। सबसे यही एक इंतजार रहती है कि आप अपने शरीर में आने वाले किसी भी रीसेंट चेंज को इग्नोर मत कीजिए, चाहे वो चेंज किसी भी फॉर्म में हो, आपके बॉडी के किसी भी फंक्शन में हो। आपको लग रहा है कि आपको खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, खाना आपका अटक रहा है, तो वो फूड पाइप के कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम है। अगर आपको लग रहा है कि आपको आजकल पेट बहुत जल्दी भर जाता है, पहले आप ज़्यादा खाना खा पाते थे, अब एकदम से आपका एपेटाइट कम हो गया है, बहुत जल्दी आपको भूख लगनी कम हो जाती है, या फिर आपको काले रंग की लैटिन आती है, तो ऐसे केसेस में स्टमक कैंसर का ये एक साइन है। अगर हमें रीसेंट ऑनसेट पेनलेस पीलिया हुआ है, मतलब दर्द नहीं है लेकिन पीलिया है और जॉन्डिस है, ये लिवर या फिर गॉल ब्लैडर या फिर पैंक्रियाज, इनमें से किसी भी कैंसर का साइन हो सकता है। पेट में दर्द होना या फिर आपको लगे कि लैटिन पास करने में दिक्कत हो रही है या आँतों में रुकावट हो रही है, तो ये बड़ी आँत के कैंसर का एक साइन है। या फिर लाल रंग का खून आना जिसमें कोई दर्द ना हो लेकिन हमारे स्टूल के ऊपर लाल रंग का ब्लड अगर हमें दिख रहा है, तो ये हम एक साइन हो सकता है कि भाई हमें बड़े आँत का कैंसर है। अगर हमारे यूरिन के अंदर भी ब्लड आ रहा है तो ये किडनी के कैंसर या फिर यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर का एक साइन है। प्रोस्टेटिक कैंसर यूजुअली बहुत बुज़ुर्ग एज के पुरुषों में होता है, जिसकी ज़्यादातर पहचान होती है कि भाई PSA लेवल्स हमारे बढ़ रहे हैं या फिर हमें यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, यूरिन में रुकावट हो रही है। तो ऐसे में आप अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, अपना PSA लेवल कराइए। ब्रेस्ट कैंसर जो सबसे कॉमन कैंसर है हमारे यहाँ पे स्त्रियों के अंदर, उसके अंदर ब्रेस्ट में कोई पेनलेस गांठ हो गई है जो बढ़ती चली जा रही है, या फिर निपल से ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर का एक साइन हो सकता है। मुंह में कोई आपका ऐसा छाला है जो भर नहीं रहा है, जो दर्द नहीं दे रहा लेकिन भर भी नहीं रहा और बढ़ता चला जा रहा है और देखने में अगली लुकिंग है, ख़ासतौर पे उन लोगों के अंदर जिन लोगों को दांतों की समस्या है, जिनके दांत लगातार जीभ के साथ रगड़ खाते रहते हैं या फिर गाल के साथ रगड़ खाते रहते हैं, या फिर जो लोग तंबाकू पान या गुटखा या फिर स्मोकिंग का नियमित सेवन करते हैं। फेफड़े का कैंसर और मुँह का कैंसर पुरुषों के अंदर सबसे होने वाले सामान्य कैंसर हैं हमारे देश के अंदर, और ज़्यादातर कैंसर्स का जो एसोसिएशन है वो स्मोकिंग से है। स्मोकिंग होंठ से लेकर के मुंह, गला, फूड पाइप, विंड पाइप, फेफड़े, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, पैंक्रियाज, स्टमक, इनमें से इतने सारे ऑर्गन्स में से किसी का भी कैंसर स्मोकिंग से हो सकता है। दूसरा, अगर आपको लगातार सर में दर्द रह रहा है और देखने में कुछ दिक्कत आ रही है, धुंधलापन आ रहा है या फिर आपको लगता है कि बार बार उल्टी आएगी, तो ये ब्रेन ट्यूमर का साइन हो सकता है। दांतों से खून निकलना, शरीर में गांठें हो जाना, इम्यूनिटी कम हो जाना, बार बार बुखार आना, ये ब्लड कैंसर्स का साइन हो सकता है। तो मुद्दे की बात यही है कि अपनी बॉडी में किसी भी साइन या किसी भी सिम्टम को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ हमारे पेट में गैस ही हो रही है, लोग चूर्ण खाते रहते हैं और कब्ज़ की दवाइयाँ पीते रहते हैं और सोचते हैं कि बस गैस है या नॉर्मल कब्ज़ है ठीक हो जाएगी। ऐसे में बीमारी बहुत बढ़ जाती है, ज़्यादातर केसेस में फीमेल्स में ऐसा में ओवेरियन कैंसर निकल के आता है या फिर बड़ी आँत का कैंसर निकल के आता है। तो मानता हूँ कि हम लोग हर छोटी चीज़ के लिए कैंसर की चिंता करें वो भी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई भी बॉडी में ऐसा सिम्टम है जो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार आपको परेशान कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और प्रॉपर जाँचें करानी चाहिए, ताकि अगर ऐसा कुछ है तो वो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में हमें पकड़ में आ जाए।